तू जाने मन है जाने जिगर, तेरे लिए जान भी हाजिर है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। और अगर आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपलोड करते हैं ना, तो आपका वीडियो जरूर वायरल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने सिखाऊंगा। तो गाइस, इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और मैं अपने स्टेटस को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करता हूँ, वो सारा मटेरियल का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता रहता है। अगर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कुछ भी डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके इन सारे मटेरियल को इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी सवाल क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्लस का आइकन पर क्लिक करना होगा और आपको 9.16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। आपको सबसे पहले करना है क्या होगा, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आपको एक वीडियो को इनपुट कर लेना है जिस वीडियो को आपने डाउनलोड किया था। तो गाइस, ये हमारा वीडियो आ चुका है, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। आपको सबसे पहले करना है क्या होगा, आपको कुछ इतना खिसका लेना, अपने वीडियो को खिसका लेना है। एंड इसके बाद आपको करना है क्या होगा, आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आप जिस इमेज का स्टेटस बनाना चाहते हैं उस इमेज को इनपुट करना होगा। तो गाइस, मैं बस आपको सिखाने के लिए इमेज को इनपुट कर लेता हूँ, जो कि हमारा इमेज आ चुका है। तो आपको सबसे पहले करना है क्या होगा, आपको क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाना होगा और गाइस, आप चाहते हो तो क्रॉप कर सकते हैं कुछ इतना, और चाहे तो आप बिना क्रॉप किए भी बना सकते अपने स्टेटस को। इसके बाद आपको करना है क्या होगा, आपको इसके मास्क को इनेबल कर देना, इसके फेदर को आपको 50% रख लेना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। एंड इसके बाद आपको करना है कि आपको अपने इमेज के ऊपर क्लिक करना होगा, आप इसे हल्का जूम कर लीजिएगा और आपको इस जगह पर अपने इमेज को एडजस्ट कर लेना कुछ इस तरीके से, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है, फिर आपको स्टार्टिंग में आना होगा। और गाइस, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने इमेज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको इसे फेड कर देना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस, अब आपको क्या करना है, आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, आपको एक वीडियो को इनपुट करना होगा। सो आपको इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा वीडियो आ चुका है स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले करना है क्या होगा, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाला ऑप्शन में क्लिक करना, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा, साउंड वाले ऑप्शन पर जाना होगा, इसे पहले आपको म्यूट कर लेना कुछ इस तरीके से, फिर आपको टिक पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन मिला ब्लेंडिंग का, तो आपको ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है और आपको इसे कर लेना है स्क्रीन, स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद आपको करना है क्या होगा, आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा, एक आपको टेक्स्ट पेंजू को इनपुट कर लेना है। सो ये आ चुका है, हमें हल्का जूम कर लेते हैं, आपको इस जगह पर इसे इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना होगा कुछ इस तरीके से, एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। फिर आपको स्टार्टिंग में आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना होगा और आपको अपना फ्रेम पीएनजी को इनपुट कर लेना है। समझे, इनपुट कर लेते हैं, ये हमारा फ्रेम पीएनजी आ चुका है। आपको करना है क्या होगा, आपको इसे फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, स्क्रीन वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, फुल स्क्रीन में एडजस्ट करना होगा, टिक पर क्लिक करना होगा और इसके लेंथ को आपको वीडियो के एंड तक रख लेना है। और गाइस, इसका जो पीछे का फालतू पार्ट आपको कट कर लेना है, सो मैं कट कर लेता हूँ, आपको भी कट कर लेना है। तो इस तरह आपको कट कर लेना होगा और देख लीजिए, हमारा स्टेटस बनके तैयार हो चुका है। तो इसे मैं अभी एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो गाइस, आपने देखा है कि हमारा जो स्टेटस है वो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके का स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने भाई के लिए। तो गाइस, अब आपको क्या करना होगा, अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा और आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपको एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।